नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की तरफ। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से ग्राम प्रधान यमराज के द्वारा पहुंचा रहे संदेश। जनपद बहराइच के ब्लॉक चित्तौरा के अंतर्गत सहनवासपुर गांव में ग्राम प्रधान अनिल कुमार निषाद के द्वारा कोरोना नामक भयंकर बीमारी से लड़ने के लिए नित्य नए दिन अलग अलग तरीके से जागरूकता का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज ग्राम प्रधान की अगुवाई में यमराज के गेट अप में कलाकारों के द्वारा समस्त ग्रामीणों को कोरोना नामक वायरस से बचने की तमाम जानकारियां लोगों को दी गई। ग्राम प्रधान के इस अनोखी पहल की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष ऋषिया प्रेम प्रकाश पांडे दल बल के साथ गांव में पहुंचे और ग्रामीणों को जागरूक कर रही टीम का हौसला अफजाई किया तथा स्वयं पैदल मार्च कर ग्रामीणों को जागरूक भी किया। थाना अध्यक्ष ऋषिया ने ग्रामीणों से अपील की कि वो घरों से बाहर ना निकले, दिन में बार बार साबुन से हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें तथा दूसरे प्रदेश से आए व्यक्तियों की जानकारी शासन और प्रशासन स्तर पर दें। ग्राम प्रधान अनिल कुमार ने साथ बात करने पर बताया कि गांव पंचायत स्तर एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते कोरोना नामक भयंकर वायरस से लड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है, जिसमें समस्त ग्रामीणों का भरपूर साथ मिल रहा है। रिपोर्ट राजेश कुमार सिंह चौहान। मास्क का प्रयोग करते हैं कि नहीं प्रयोग करते हैं? सभी लोग मास्क का प्रयोग करते हैं। शैला कहिए, एक बात और बताओ। बोलिए। यहाँ गाँव वाले साबुन से प्रधानमंत्री के आदेश के अवहेलना किया है, मुझे इस सूचना को आदेश सुना है महाराज। मैं सुन रहा हूं, मेरे भारत में 480 लोगों को प्राण हरण किए हैं, लेकिन यह लोग तो बड़े होशियार हैं, बहुत चालाक हैं। छेला कहिए महाराज, एक बार बताओ। छेला कहिए महाराज, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बजरंगबली पाठक है। किस ग्राम सभा से हैं? मैं ग्राम सभा शाहनवाजपुर विकास खंड चित्तौरा थाना ऋषिया जनपद बहराइच से हूँ। जी सर, ये यमराज जी को जो उतारा गया था आपके ग्राम सभा और ये चौराहे पर, तो किस उद्देश्य से आप लोग उतारे थे? ये कोरोना महामारी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कल जो है स्थानीय प्रशासन शाहनवाजपुर की तरफ से उतारा गया था, जिसमें थाना ऋषिया के थाना अध्यक्ष महोदय ने अपनी सहभागिता प्रस्तुत की। उन्हीं के कुशल निर्देशन में यह जो है कार्यक्रम यमराज का रखा गया, जिससे लोगों में यह जागरूकता पैदा हो कि हमें कोरोना नामक महामारी से बचना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने हाथ मुंह को पर्याप्त रूप में धो करके रखना है, कभी किसी को टच नहीं करना है, कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाना है, खास करके उन व्यक्तियों के पास न जाना है जो किसी रूप में सर्दी जुकाम या इस महामारी के लक्षण से पीड़ित दिख रहे हैं। जी, थैंक यू। गांव के विभिन्न मजरों में सभी युवाओं को एक जिम्मेवारी दी गई है। जो राशन की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं, उनको घर घर जाकर के बेचने के लिए निर्देशित किया गया है। और यदि किसी के पास नगद पैसे नहीं है तो वो पेटीएम कर सकता है। अगर उसके पास एकदम पैसे नहीं है तो मैं ग्राम प्रधान उन दुकानदारों को बता रखा हूँ, हमारा उनसे वार्तालाप हुआ है कि जो पैसे गाँव वालों के पास नहीं है आप उनको सामान दीजिए, पैसे हम लेंगे, यानी कि उनको निःशुल्क दिया जाएगा। दूसरी चीज, अभी हमने एक हेल्पलाइन नंबर, जो मेरा मोबाइल नंबर है, उसको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से गांव के कुछ ग्रुप बना रखे हैं, उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया है। मेरा मोबाइल नंबर है 9919694444। तो ये नंबर है मेरा 9919694444। इस नंबर पे गांव का कोई भी व्यक्ति यदि फ़ोन करता है, मिस कॉल मारता है, तो हम लोग उससे बात करते हैं, फ़ोन करेंगे और उसकी समस्या पूछ करके उसके यहाँ जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं उनको हम लोग पहुँचाएंगे। अभी जो है यमराज के गेटअप में बबुरहन और सहनवाजपुर में सिमरा कोला मजरों का भ्रमण किया गया। स्थानीय पुलिस ऋषिया थाना अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा।
उन्होंने यमराज के गेटअप वाली टीम को जो गांव में एक मैसेज दे रही थी कि आप लोग घर से बाहर ना निकले, बार बार साबुन से हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, उस टीम को काफी हौसला अफजाई किया। बताना चाहेंगे आपको कि गांव में सैनिटाइजर का काम पूरा हो चुका है, दो दो तीन तीन बार कराया जा चुका है। जो लोग दूसरे प्रदेशों से इस गांव में आए हैं, करीब ऐसे 80 लोग हैं, जिसमें एक व्यक्ति अरविंद पाल का लड़का अनिल पाल, उसकी कोरोना टेस्टिंग भी हुई थी, वो पॉजिटिव नहीं पाया गया था, वो इस समय घर पे है, दवा उसकी चल रही, ठीक है, वो क्वारंटाइन हुआ था 2-4 दिन के लिए, निगेटिव आने पे उसको घर ही पे रखा गया है। तो इस तरीके से गांव में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, आप सभी ग्रामवासियों की जिम्मेवारी, हमारी स्वयं की जिम्मेवारी बनती है कि इसकी जानकारी हम शासन प्रशासन को दें। अगर किसी व्यक्ति में लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी जांच भी कराई जाए। हम जब अपनी जानकारी प्रशासन को साझा करेंगे तो आगे डॉक्टर सब लोग उसकी जांच कराएंगे, जिससे हमारा गांव पूरा बच जाएगा। अभी बहुत जल्द इसके तौर तरीके में बदलाव होने वाला है। हम लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं कि इस गांव के चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी जाए, हर आने जाने वाले लोगों की एंट्री की जाए, और एंट्री करने के बाद ही उनको गांव के अंदर जाने दिया जाए। और गांव को लगातार, मैं ग्राम प्रधान अनिल कुमार निषाद जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते आप लोगों को आश्वस्त कराना चाहूँगा कि जिस तरीके से 2-3 बार अभी तक पूरे गांव को सैनिटाइज किया जा चुका है, दवाओं की उपलब्धता भी थोड़ी कम हो पा रही है, फिर भी हम लोग प्रयासरत में हैं और किया जा रहा है। गांव के कुछ लोग जो सरकारी पैसे के चक्कर में आप लोग बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, आप कत्ते ही बैंकों में न जाए। हमारा जो BC है उसको सरकार ने पास जारी किया है, आप टेलीफोन करिए, वो घर आएगा, आपको पेमेंट देके जाएगा। कुछ लोग योजनाओं का नाम सुन के 1,500 रुपए के लिए बैंक आप लोग जाते हैं और पता चलता है कि वहाँ अभी आपके खाते में पैसा नहीं है। देखिए, सरकार जो है बहुत व्यापक पैमाने पे काम कर रही है, धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा करके पैसा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लाभार्थियों को दिया जा रहा है। तो उसमें आप लोग घबराइए करते नहीं कि उनका आ गया मेरा नहीं आएगा, आपका भी आएगा। अगर आप उस सूची में हैं तो आपका भी आएगा। और आज जो यमराज ने आप लोगों को संदेश दिया है कि अगर आप कोरोना वायरस से सावधानियां नहीं बरतेंगे तो हम यमराज हैं और हम जो है पृथ्वी लोक पर आए हैं और आप लोगों के जो है प्राणों का हरण कर लेंगे, तो इस तरीके से गेटअप तैयार करके जो मैसेज गांव में दिया गया है, आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन, आप इसको फॉलो करें और सारे लॉकडाउन के नियमों को फॉलो करें, एक दूसरे से दूरी बना कर रखें, मास्क का प्रयोग करें, दिन भर में बार बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज करते रहें, घर से बाहर रोड पे ना निकलें, और यही जो है हम अपेक्षा करेंगे और आप लोगों से निवेदन करेंगे, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो मेरा गांव स्वस्थ रहेगा, मेरा गांव स्वस्थ रहेगा तो मेरा जिला प्रदेश